बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिही व असहाबिही वसल्लम। गाइस वेलकम टू माय चैनल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का चांद। इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि इस महीने के जो फयूज़ बरकात हैं उसे हम मालामाल हों। हमने जो है ना वो इस महीने के जो रहमतें हैं बरकतें हैं इंशाल्लाह वो समेटनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, नमाज कुरान और अच्छा जो है ना वो ज़कात वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं वो हमने करनी है। वैसे तो ये पूरा साल करनी चाहिए लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये मुबारक महीना अता किया तो हम कोशिश करेंगे आप और मैं कि जो है ना इस महीने के जो रहमतें हैं बरकतें हैं वो अच्छी तरह हम समेटें। जितने भी हमारे जो गरीब मुसलमान बहन भाई हैं उनको मदद करें, ठीक है, ताकि वो भी रोज़े रखें, उनके घर में भी इबादत हो और वो भी हमारे साथ इस ईद की खुशी में शामिल हों। और जिन लोगों ने ज़कात वगैरह देनी है तो वो ये एक गोल्डन पीरियड है इस रमज़ान मुबारक का महीने में, आप जितना देंगे आपको 70 गुना ज़्यादा जो है ना वो आपको इसका अजर दिया जाएगा। आप अपने मुंह से कोई लफ्ज़ बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे तो इसके महीने के जो अजर है ना वो 70 गुना बढ़ जाता है। आप एक मतलब कुरान पाक पढ़ते हैं आम दिन में, ठीक है, तो उसका सवाब तो मिलता ही मिलता है लेकिन जो इस महीने का सवाब है वो 70 गुना बढ़ जाता है। तो ये बहुत मुबारक महीना है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने फिर ये महीना हमारी ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर मौका दिया है कि हम अल्लाह के हजूर जो है ना वो अपने गुनाहों के जो है ना वो माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करें गुनाहों से और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नेक अमल करें, ठीक है, जो इबादत हैं जो आपको पता ही है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ठीक है। तो बड़ा मुबारक महीना है माशाल्लाह ये, और इसमें जो है ना वो एक चीज़ दुख से कहनी पड़ती है कि जितना मुबारक महीना है इसमें जो है ना वो उतना ही लोग बढ़ा देते हैं कीमतें अशियाए, जो रोज़ डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसकी जो है ना वो कीमतें जो हैं वो डबल हो जाती हैं। तो हालाँकि ये तो बरकत वाला महीना है, इसमें तो डिस्काउंट वगैरह लगना चाहिए ताकि हर जो शहरी है, गरीब आदमी है, अमीर है, हर कोई जो है ना वो इसकी खुशियों में शामिल हो सके। लेकिन क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट से एक अपील कर सकते हैं कि जो है ना इस महीने में जो घरों में डेली इस्तेमाल होती हैं खाने पीने की या शॉपिंग की, उस पर डिस्काउंट लगाया जाए, उसको कम कीमत में वो फ़रोख किया जाए। इसकी पूरी आप कमेटी जो है ना वो तश्कील दें कि हर बंदा जो है दुकानों पे आम कस्टमर बन के जाए और पूछे कि आप कितने की चीज़ सेल कर रहे हैं। ये एक ला होना चाहिए, कानून होना चाहिए। तो माफिया जो इस महीने में जो है ना कीमतें बढ़ा देते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ठीक है, ताकि वो भी देखे मुसलमान है ना। लेकिन अब महंगी जो है ना वो चीज़ें कर दें तो फिर इससे ये होता है कि जो गरीब लोग हैं वो फिर खुशियों में शामिल नहीं होते। तो कोशिश यही है कि जो गरीब से गरीब हैं वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो। तो मैंने कहा चलें आज का ब्लॉग जो है आपको मुबारकबाद दी जाए रमज़ान मुबारक के चांद की और दुआ की जाए कि अल्लाह पाक जो हमारा ये महीना जो है ना खैर खैरियत से गुजरे। जो इसके तीन अशरे हैं, ठीक है, उसमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, एक रहमत का अशरा है और वो कब्र से निजात का है, रहमत का है, तरावी है, नमाज तरावी, आज पहली जो है ना वो नमाज होगी नमाज तरावी क्योंकि आज चांद नज़र आया है। तो वो जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आज से शुरू करूँ, आज पहली तरावी है। और इसी तरह अगर अल्लाह ने चाहा तो कोशिश पूरी करूँगा कि पूरा कुरान जो है ना वो खुद भी हम पढ़ें और नमाज तरावी में भी कुरान सुने। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, रहम फरमाए, करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान मुबारक की तमाम रहमतों से मालामाल करे, हमारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी।
और जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।